Subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं को काम मांगता हबीब भाई, और देखो तुम लोग बीच में नहीं आना मांगता। मुझे वादा किया था हबीब भाई, मुझे काम दोगे। हाँ हाँ वादा किया था, मगर यार अरे सोचता क्या हबीब भाई, हम बताते हैं। हबीब भाई ये सोचता कि नेहा जी के होर्डिंग का मामला साला राजा की तरह रह गया। सही बात है ना हबीब भाई? अबे हाँ हाँ ठीक है, चल चल चलते। अरे ओहो शांत हो जाइए, आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अच्छा हबीब भाई एक बात तो बताइए, आपके यहाँ तमाम पोस्टर होर्डिंग बनते रहते हैं, क्या कभी हम काम मांगने आए? नहीं। या आज तक जो कुछ भी बनाया हमने आपके लिए उसके लिए पैसे लिए? नहीं। अरे बताइए बताइए इन्हें बताइए। अरे भाई कभी नहीं लिया यार। सुन लिया ना? अरे भाई आलतू फालतू चीजों में तो हमें दिलचस्पी ही नहीं है। हमारे सारे रंग तो नेहा जी के लिए, सिर्फ नेहा जी के लिए। नेहा जी, नेहा जी, सुबह को नेहा जी, दोपहर को नेहा जी, शाम को नेहा जी, रात को नेहा जी, 24 घंटे नेहा के गीतों में खोया रहता है। मैं तो तंग आ चुका हूँ तेरी इस नेहा से। अबे उठ भी जा, तेरे जैसा पागल फैन आज तक मैंने नहीं देखा। रात रात भर नेहा के गीतों को सुनता है और सुबह देर तक खराटे भरता है। ये रही चाय और ये रहा तेरा न्यूज पेपर, मैं तो चला कॉलेज। जी अखबार के छूते ही हम तो जान गए थे कि ये आप ही हैं। मालूम है कैसे नेहा जी? अचानक हमें ऐसा लगा जैसे हम आपके गीतों के ठंडे झरने में डूबे जा रहे हैं, बस डूबे जा रहे हैं। सच? इतनी दीवानगी? बिल्कुल, हम तो हैं ही आपकी आवाज के दीवाने। देखना चाहेंगी? एक मिनट। नेहा जी मेरी हर चीज में आप ही नजर आएंगे।
ये देखिए, ये देखिए, और ये भी देखिए, और ये भी। नहीं 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 नहीं, ये तो सिर्फ हमारे लिए है। अब आप ये सोच रही होंगी कि हमने हर जगह आपकी तस्वीरें क्यों लगा रखी हैं? अरे भाई, इसलिए कि हम जहां भी आपको देखते हैं हमें आपके मधुर मधुर गीत सुनाई पड़ने लगते हैं। गीत? अरे बाप रे बाप, याद आया, आज तो आपका शो है और मुझे अभी टिकट भी लेना है। अच्छा मैं चलता हूँ, सी यू, शो में मिलेंगे, बाय। हरी, आप सारा हॉल तुम्हारे लिए बेताब है, जरा सी और देर कर दी ना तो हॉल में तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। तुम जल्दी करो, मैं तब तक जाकर अनाउंसमेंट करता हूँ, ओके? मेरे प्यारे संगीत प्रेमियों, हैरी सक्सेना आप सबका स्वागत करता है। आपके प्यार और चाहत ने मेरे उस अरमान को पूरा कर दिखाया जो मेरे लिए सपना था। मेरी खोज मिस नेहा आज सफलता के उस मकाम पर पहुंच गई हैं जहां पर पहुंचना तो एक तरफ सोचना भी मुश्किल होता है। मैं आप लोगों की बेताबी को अच्छी तरह से समझ रहा हूं, लेकिन अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, क्योंकि बहुत जल्द आप सब लोगों के दिलों में संगीत का जादू जगाने आ रही है वन एंड ओनली मिस नेहा। Thank you.
मैडम अभी अभी आपके घर से फोन आया, डैडी की तबीयत अचानक खराब हो गई। ये आपको अचानक क्या हो गया डैडी? रो मत मेरी गुड़िया, बड़े अरमान थे, लेकिन तेरा डैडी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए डैडी, कुछ नहीं। आप ही तो मेरी जिंदगी है डैडी, मुझे सिर्फ आप चाहिए। बेटे, अब तो अपने गीतों में ही अपनी जिंदगी ढूंढना, वही तेरे सच्चे हम सफर हैं, उनके रहते तुझे कभी कोई कमी नहीं रहेगी। बेटे तेरे डैडी का यही आशीर्वाद है। नहीं डैडी, नहीं डैडी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अरे आज तो आपने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मैंने क्या गाया, कैसा गाया। डैडी पूछिए ना, डैडी पूछिए ना। बिटिया, खाना ठंडा हो रहा है बिटिया। हमें भूख नहीं है, कुछ खाए पिए बिना ये शरीर कैसे चलेगा बिटिया। अब तो तुम्हें अपनी ज्यादा फिक्र रखनी चाहिए। तुम्हारी फिक्र करने वाला अब यहाँ कौन बैठा? चलो खाना खा लो, चलो। एक बात बताओ काका, हमें तो याद नहीं कि कभी डैडी ज्यादा बीमार भी पड़े हो, और फिर ही अचानक। कभी कभी बाहर से देखने वाला मजबूत पेड़ भी अंदर से खोखला हो जाता है बिटिया। आपको हमारी कसम काका, जो हमसे आपने कुछ भी छुपाया, बताओ ना, डैडी ने आपसे कुछ तो कहा होगा? वैसे तो वो किसी से कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन एक दो बार उनके और वकील साहब के बातचीत हमारे कानों में पड़ गए। बिटिया साहब बहुत परेशान थे, कारोबार के घाटे में सर तक डूबे हुए थे, यहाँ तक कि बंगला भी गिर गया। हाँ बिटिया, हमें तो लगता है किसी गवर्नर साहब की जान ले ली है। बेबी तुम यहाँ इस वक्त? अरे तुम्हारी परेशानियों के बारे में दिन रात सोच सोच कर मैं खुद इतना परेशान हो जाता हूँ कि वक्त का एहसास ही नहीं होता है। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम गीतों की दुनिया में वापस लौट आओ और अपने चाहने वालों की जिंदगी में खुशियां भर दो। जिसका अपना दिल आंसू में डूबा हो, वो दूसरों को क्या खुशी बांट सकता है? नया बेबी, तुम ये क्यों नहीं समझते कि तुम्हारे दिल पर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे चाहने वालों का भी हक है, और उस चाहने वालों की भीड़ में एक नाम इस हैरी का भी है। नया बेबी, तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर जिंदगी भर के लिए। ये क्या बदतमीजी है? अरे
मेरे प्यार को बदतमीजी का नाम देकर उसकी तौहीन मत करो। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। गेट आउट, दफा हो जाओ यहाँ से। अगर मैं चला गया ना बेबी, तुम्हारी जिंदगी से कामयाबी और शोहरत भी चली जाएगी। शायद तुम जानती नहीं हो कि हैरी उस शिकारी का नाम है जो आसमान पर उड़ने वाले अपने हर पंछी की डोर अपने हाथ में रखता है, और अगर मैं ये डोर खींच लूं तो आसमान पर चमकने वाला तुम्हारी शोहरत का सितारा इस जमीन की धूल को चाटता हुआ नजर आएगा। हैरी, जब तक मेरे डैडी का आशीर्वाद, मेरे गीत और मेरी आवाज मेरे साथ है, तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जा रहा हूं बेबी, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात याद रखना। सोने में चमक तो बहुत होती है, अगर उस पर कोई जंग लगा दे तो कोई खरीदार दुकान पर नहीं आता है। बाय बेबी। इस वक्त और मेरे घर? मैं नहीं, ये समझो कि तुम्हारा भाग्य खुद चलकर तुम्हारे पास आया है। ओ, आई ना आई, मैं कुछ समझी नहीं। अरे जब भाग्य खुद घर में चलकर आता है ना, तो कुछ समझने की जरूरत नहीं होती। तुम सुरों की दुनिया की मलिका बनना चाहती हो ना? लेकिन नेहा के रहते हुए मैं ना, मतलब उसका ना, मतलब उसका, उसको बनाया किसने बनाया उसको? सक्सेना ने उस नाली के पत्थर को उठाकर हीरा किसने बनाया? सक्सेना ने वो दो टके की बाथरूम के सिंगर को सुरों की मालिका किसने बनाया? सक्सेना ने और अब साली एहसान फरामोश मुझको ही भूल गई। लेकिन वो ये भी भूल गई कि अगर सक्सेना किसी को बनाना जानता है तो उसे मिटाना भी जानता है। उसने मेरी बेइज्जती की, उसने रीटा मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, उसने मेरे मुंह पर। बस 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी जगह तुम होगी। हरी साहब, आपके इस एहसान के लिए तो ये रीटा आपकी दर्जनों तक गुलामी करेगी, पर ये सब इतनी जल्दी होगा कैसे? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम जाके नेहा को फोन लगा, जा। ओके। नेहा जी प्लीज फोन मत नीचे रखिए, मेरी एक आखिरी बात सुन लीजिए। बोलो। नेहा जी, मुझे घर आके एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती करके आ रहा हूं। मुझे बेहद अफसोस है कि मैंने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि मैं आदमी से जानवर बन गया। नेहा जी, मुझे अपने आप से नफरत हो रही है, मैं अपने आप को सजा देना चाहता हूँ। नेहा जी, मैं जानता हूँ कि ये भूल माफी के लायक नहीं है। मुझे माफ कर दो नेहा जी, मुझे माफ कर देना। जो हो गया उसे भूल जाओ, मैं कल के प्रोग्राम में आ रही हूँ, वहीं मिलेंगे। नेहा जी, आप महान हैं, आप महान हैं नेहा जी, थैंक यू वेरी मच। रिटा डार्लिंग, अब सिर्फ कल तक का इंतजार करो। okay. फिर देखो बस हैरी सक्सेना का कमाल, हैरी सक्सेना का कमाल। मुझे तो ये सब सपना सा लगता है, क्या मैं सचमुच नेहा की जगह पालूंगी? पानी लोगे डार्लिंग, हैरी सक्सेना तुमको वो जगह दिलवा देगा। यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? ऑडिटोरियम तो आगे है ना? रिलैक्स बेबी रिलैक्स, जरा डैशबोर्ड खोलो, इस बॉक्स को खोलो। ये क्या है? ये है हैरी सक्सेना का श्राप। श्राप? इसको पकड़ो।
तुम्हें स्टेज पर पहुंचाने का इंतजाम कर रहा हूं। जाने मन ये सिंदूर है, अगर भगवान हनुमान जी पे चढ़ाओ तो वो खुश हो जाते हैं, और अगर किसी गाने वाले के गले से उतार दो तो उसकी आवाज हमेशा के लिए खराब हो जाती है। समझ में आया? बंद हो गया। मतलब नेहा इसे खाकर गूंगी हो जाएगी? नहीं, बोलेगी लेकिन गा नहीं सकेगी, और अगर गाने की कोशिश करेगी तो उसकी आवाज फटे ढोल की तरह फट जाएगी। अंदर रख दो। नेहा जी, आज सुबह मैं भगवान के मंदिर प्रायश्चित के लिए गया था। अपने किए की माफी मांगने के साथ साथ आपकी लंबी कामयाबी की दुआएं भी मांग के आया हूं। ये उसी का प्रसाद है, ये लीजिए। नेहा जी, लगता है कि आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। अगर आपने ये प्रसाद ले लिया तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया, वरना मैं लाइए। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी तो अबे दिखता नहीं है क्या? अरे मर गए, ये तो यहीं आ रहा है। अरे भाग ले राजा, वरना शो शुरू हो जाएगा। भाग ले। आप इसने सिग्नल तोड़ा, और इसकी सिग्नल तोड़ने से एक्सीडेंट होते होते बच गया। हाँ मैंने सब देखा, जा तू चालान बुक निकाल। क्या कर रहे हैं सर, जब प्लीज मेरी बात तो सुनिए। वो सर में क्या हुआ था कि चढ़ा, एक तो सारा कानून तोड़ता, ऊपर से भागने की कोशिश करता, उतर नीचे। Silence, silence, silence! Shanti, shanti!
लोग प्लीज शांत होकर बैठ जाइए, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज बैठ जाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों की हर दिल अजीज सिंगर मिस नेहा की सुरीली आवाज बिल्कुल खराब हो गई। हैरी सक्सेना के रहते ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। नेहा की आवाज खराब हो गई तो क्या हुआ? आज मैं आप लोगों के सामने एक नई कलाकार पेश कर रहा हूं, मिस रीटा। इनकी आवाज में वो कशिश है, वो जादू है, वो नशा है कि जिसे सुनकर आप नेहा की आवाज को जिंदगी भर के लिए भूल जाएंगे। माय फ्रेंड्स, गिव हर अ बिग हैंड, मिस रीटा। थैंक यू वेरी मच। एक्सरे और बाकी टेस्टों की रिपोर्ट के मुताबिक आपका वोकल कॉर्ड पूरी तरह डैमेज है, कुछ टिश्यूज डेड भी हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो सिर्फ एक ही हालत में हो सकता है कि आपने अनजाने में कोई ऐसी चीज खा ली हो जिसका असर आपके वोकल कॉर्ड में पड़ा है। आई एम अ प्रोफेशनल सिंगर, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ? हो सकता है ये आपके किसी दुश्मन की साजिश हो। अक्सर सिंगर की आवाज को खराब करने के लिए लोग किसी न किसी चीज में सिंदूर मिला देते हैं। सिंदूर में पारा होता है जिससे वोकल कॉर्ड के टिश्यूज फट जाते हैं। आंसुओं से हिम्मत टूटती है और दर्द का एहसास ज्यादा हो जाता है। अपने आप को संभालिए। डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? सुर और गीत ही तो मेरी जिंदगी है, अगर यही नहीं रहेंगे तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज डॉक्टर साहब, आप कुछ कीजिए ना, मेरी आवाज फिर से ठीक कर दीजिए। प्लीज डॉक्टर साहब। नेहा जी, डॉक्टर का काम है कोशिश करना। मैं कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, आप प्लीज मुझसे झूठ मत बोलिए, सच सच बता दीजिए, मैं आइंदा कह पाऊंगी या नहीं? देखिए, इस वक्त तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आप कहा नहीं पाएंगे। और आवाज कब तक ठीक होगी ये कहना तो बहुत मुश्किल है। हो सकता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल या इससे भी ज्यादा। नेहा जी, भगवान पे भरोसा रखिए। इस प्रकार के केसेस में अक्सर देखा गया है कि नेचुरल वे में ऐसा कुछ हो जाता है कि आप उसे चमत्कार भी कह सकती हैं। आवाज खुद ब खुद लौट आती है। मैं आपको कुछ दवाइयां लिख कर देता हूं, इसे आप आज से शुरू कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, मुझे झूठी तसल्लियां नहीं चाहिए। निया बेटी, हाँ? आओ। नमस्ते। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बैठिए, कहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे कहूं और कहां से शुरू करूं। वो क्या है कि अंकल, यहां तक तो मैं जान चुकी हूं कि डैडी का बिजनेस करीब करीब खत्म हो चुका है
और ये बंगला गिरवी है, अगर इसके आगे और भी कुछ हो तो आप बताइए। कल इस बंगले की नीलामी है बेटे। ये मेरे डैडी का घर है, इसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता इसको मुझसे। कानून जज्बात को नहीं समझता बेटी, ये लो। ये क्या है? ये तुम्हारे पिताजी के गांव के मकान के कागजात, सिर्फ एक ये ही नीलामी से बच सका है। बेटी, कल हर हालत में इस बंगले को खाली करना पड़ेगा। बेटी, तुम चाहो तो मेरे घर आकर के रह सकती हो, जब तक दिल करे। मैं चलता हूं। हेलो, क्या मैं नेहा जी से बात कर सकता हूँ? स्पीकिंग। नेहा जी, हमारे कुछ दोस्तों के बीच में ये शर्त लगी है कि आप फिर से गा पाएंगे या नहीं। आप ये बताइए कि आपके सुर वापस आएंगे या नहीं। हेलो 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 घर भी चला गया और अब तुम भी जा रही हो। काका अपने घर को छोड़ के जाने का किसका दिल करता है, लेकिन जब ये घर ही नहीं रहा तो, और अब यूं भी शहर में मैं नहीं रह सकती। मैं सब कुछ भुला देना चाहती हूँ काका, प्लीज आप इसे रख लीजिए। मैं क्या करूंगा बिटिया, हमें भी अपने साथ ले चलो। काका अभी मेरे अपने रहने का ठिकाना नहीं, आप प्लीज इसे रख लीजिए, आपको मेरी पसंद। जीती रहो बेटी। मैं जा रही हूँ। हेलो नेहा जी, हम बोल रहे हैं आपके आपके फैन राजा। देखिए, हमने आज तक आपका कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं किया, लेकिन कम्बक कम्बक एक छोटे से हादसे ने हमें इस बार आपके गीतों की मिठास से दूर कर दिया, हमें इस बात का बेहद बेहद अफसोस रहेगा। वैसे आपका अगला प्रोग्राम, हेलो बाबूजी की तबीयत कैसी है? अब तो काफी आराम है। अच्छा, तुम लोग घर चलो। चलो, चलो। आ गए। अरे पांडे, पहले ये तो बताओ हमारी भौजी का क्या हाल है? तेरे गौने की तारीख फिक्स हुई कि नहीं? अरे
अरे पांडे, पांडे क्या बात है, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? हमारी हमारी भौजी तो ठीक है ना? अरे का, ना जाने कौन दुश्मन की हम पर नजर लागी है। जब है कौनों की तारीख फिक्स होता है, तब है उनका कोई ना कोई रिश्तेदार मर जाता है और हमारे लिए हुई जाता है साल भर की छुट्टी ससुर डैम्पू। पांडे रोने का नहीं, पांडे रोने का नहीं। देख देख अब मैं आ गया हूँ ना, अभी हम दोनों मिलकर सब काम ना करेंगे। अबे गधे, तेरे गौनी की तारीख बिल्कुल फिक्स कर देंगे, फिक्र करने का नहीं, तो रोता काहे को है, चलना यार। काफी कमजोर हो गए बाबूजी। कुछ नहीं बेटे, छाती में थोड़ा कफ जम गया है। हकीम साहब की पुड़िया तो ले ही रहा हूँ, तू बता तेरे पेपर कैसे हुए? बहुत अच्छे हुए बाबूजी, अब तो सिर्फ रिजल्ट आने का इंतजार है। उसके आते ही एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं, उसके बाद आपको काम। अरे हाँ, नौकरी की बात पर याद आया, हमारे टूरिस्ट अफसर कह रहे थे कि राजा पास हो जाए तो उसकी यही नौकरी लगवा देंगे। नौकरी की बात छोड़िए बाबूजी, पहले आप अच्छे तो हो जाइए। आए, अरे कौन आ मरा ही रक्षक आए? तुम्हार चरणन का गुलाम माता जी। अरे तुम बड़े बेशरम हो, तुम आए, हजार दफा मना किया ना कि गौना के पहले हिया ताक झाक करे मत आया करो। हाँ का कहत हो माता जी, तुहार आज्ञा का उल्लंघन करे ही हमार का मजाल ससुर डैम फूल आए। हमार ससुर फूल की तरह थे, हम उनका डैम फूल कहते हैं। हम तो ई सुनकर आए रहे कि तुम्हार स्वास्थ्य कुछ ठीक ना ही। अरे हमार स्वास्थ्य ठीक हो या ना हो, पर चूल्हा चौका लकड़ी फकड़ी की फिक्र तो हमको ही करनी पड़ती है ना। हमरे कौन बेटा बैठा है? अरे नहीं माता जी, हम यही तो कहने आए रहे क्या से हमका दामाद नहीं, बिटवा समझा बिटवा, और ये बिटवा के रहते हुए ये सब काम आप करे शोभा नहीं देते। आज से जंगल मा जाई के कमवा हम करेंगे। जी से रहो बेटा। संभाला लेकर कहां जाए? अरे चला तो तनी वहां पहुंचकर खुद ही समझ जाओगे ससुर डैम फूल। ई दिखा अरे आज शरद पूर्णिमा है क्या? है, फिर तो गांव में बहुत बड़ा जलसा होगा। अरे ई खातिर तो तुम काल आया है। अच्छा, अच्छा एक बात तो बता, इस बार नाच कौन रहा है? वही लीला चाची की बिटिया गौरी। लीला चाची की बिटिया है? अरे अपनी गौरी, फिर तो बहुत मजा आएगा। अरे अंदर चलकर देखा ना तनी। शराब तू ना बनना, मैं खराब हो जाऊंगा।
खुशी की बात है, आप यहाँ कोई गाने का प्रोग्राम करने आई हैं क्या? जी नहीं। तो फिर देखिए नेहा जी, मेरा नाम राजा है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपके सारे प्रोग्राम देखे हैं, बस एक पिछला वाला नहीं देख पाया था। कैसा रहा? वैसे नेहा जी, आपको मैंने फोन भी किया था, आपको याद आया? देखिए नेहा जी, आप हमारे गाँव में आई है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपका स्वागत कैसे करूँ। मैं यहाँ कुछ दिन आराम करने आई हूँ और मैं नहीं चाहती कोई भी मुझे यहाँ तंग करे, इसलिए आप या और कोई भी मेरे करीब ना आए, इन सब बातों से मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। एक्सक्यूज मी। किस बात की सजा दे रहे हो? बचपन में मम्मी को छीन लिया, पापा को, और अब मेरे गीत भी। अगर कोई मुझे गाने के लिए कहता है तो मर जाने को जी चाहता है। कैसे समझाओ कि नेहा बेसुरी हो गई है, नेहा फिर कभी नहीं गा पाएगी, कभी नहीं गा पाएगी। नेहा जी आप यहाँ, और वो भी जंगल में? वैसे नेहा जी, आप जैसे कलाकारों के लिए तो हमारा ये हरा भरा गांव वरदान है वरदान। यहाँ जो भी आता है ढेर सारी प्रेरणा लेकर जाता है। लगता है आपकी गाड़ी खराब हो गई है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, गाड़ी बाद में मंगवा लेंगे, फिलहाल आप हमारी जीप में चलिए, हम आपको छोड़ देते हैं।
अरे नेहा जी, आप यहाँ नई नई आई हैं। आपको शायद मालूम नहीं कि आप गांव से कितना दूर आ चुकी हैं और यहाँ काफी खतरनाक जानवर भी हैं, समझी आप? हम पैदल चले जाएंगे। एक मिनट, पैदल चलते चलते तो सुबह हो जाएगी। घबराइए मत, मैं कोई खतरनाक जानवर नहीं हूँ जो आपको खा जाऊंगा। चलिए चलिए, बैठ जाइए। गाड़ी तो है सरकारी, तो आप सोचेंगे कि हमें कैसे मिल गई। हुआ ये कि हमारे पिताजी श्री शिव शंकर त्रिपाठी, जो कि यहाँ के गाइड हैं, बीमार पड़ गए और उनके साहब हो गए परेशान कि भाई अब टूरिस्टों को कौन घुमाएगा। तो हमने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम घुमा देते हैं बस। तो फिर क्या था, साहब खुश हो गए। अरे 10 बार तो हमें थैंक यू बोला और ये जीप हमें पकड़ा दी। असल में बात यह है कि ये सब कुछ तो वैसे नेहा जी, दुनिया में गाने वालों की कमी नहीं, लेकिन अब आप पूछिए कि हम आप ही के फैन क्यों हो गए। वो इसलिए कि आप दिल से गाती हैं। आपका वो गाना है ना, जो दिल से निकले वो है गीत, सुनकर दिल पिघले वो है गीत। वाह क्या गाना है। आप चुप रहकर गाड़ी नहीं चला सकते? जी चला सकते हैं गाड़ी, क्यों नहीं। लगता है गाड़ी धोखा दे रही। इस गाड़ी को भी आज ही खराब होना था। ज्यादा देर लग जाएगी जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अगर आप अपने किसी मधुर गीत की एक लाइन सुना दें तो शायद गाड़ी उसे सुनकर एक सेकंड में भागने लगे, क्योंकि आपकी आवाज में वो जादू है कि इंसान तो क्या। मैं यहाँ गीत संगीत सब छोड़कर आई, आप सिर्फ इतना बताइए आपसे ये गाड़ी ठीक होगी या नहीं। जी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अरे अरे अरे, धत तेरे की, ये तो फैन बेल्ट ही टूट गई। अब लगता नहीं है कि गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। अरे नेहा जी, अरे नेहा जी सुनिए तो, इतनी रात में आप जंगल की तरफ कहाँ जा रही हैं? नेहा जी सुनिए, नेहा जी लगता है कुछ देर के लिए इसी जगह पर रुकना अच्छा रहेगा, क्योंकि बरसात बहुत तेज होने वाली है। चलिए प्लीज। आपको ये सब। प्लीज आप चुप हो जाइए। पता नहीं क्यों हमने आपसे मदद ले ली कि जो हमारे लिए मुसीबत का पहाड़ बन गई। हे भगवान, इतनी रात सुनसान जगह और ये खराब मौसम, कहीं ये लड़का। लगता है नेहा जी शायद मुझे गलत समझ रही है, पर भगवान तू तो जानता ही है ना कि मेरे दिल में कोई पाप नहीं है। ये नहीं, मैं किसी भी तरह घर पहुंचने का बंदोबस्त करता हूं। आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा।
जरूरत नहीं है। हमें इंप्रेस करने के लिए तुमने जो नाटक किया है उसकी हम पुलिस में कंप्लेंट जरूर करेंगे। गांव में आए हुए मेहमानों की इज्जत की जाती है, उनकी इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया जाता। राजा तुमने बहुत गलत काम किया और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हवलदार जी साहब, रजिस्टर निकालो और इसकी कंप्लेंट लिखो। ठीक है साहब। दारोगा चाचा, आपने इनकी तो सारी बातें सुन ली, लेकिन कंप्लेंट लिखने से पहले प्लीज मेरी भी तो एक बात सुन लीजिए। अगर किसी लड़की की मुसीबत में मदद करना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं, और अगर गुंडों से किसी लड़की को बचाना जुर्म है तो मैं सजा का हकदार हूं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, गुंडे तो इसी के भेजे हुए थे। आजकल के नौजवानों पर फिल्मों का बहुत असर होने लगा है, रोजमर्रा की जिंदगी में भी फिल्मी सीन करने लगे हैं। बहुत अच्छे राजा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये फिल्मी सीन नहीं, हकीकत है दरोगा चाचा। वो गुंडे लोग कौन थे, कहां से आए थे, ये मैं नहीं जानता। चल अबे चल साहब के पास। कल रात तू कहाँ था? हम गांव में साहब। सच सच बता वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगा। हजूर, कल रात से हम मार ही खाते हैं। असल बात यह है कि हम लोग चोरी करे निकले रहे और ये लड़की के देख के। बहुत अच्छे, और फिर राजा ने तुझे 50 रुपए देकर इन्हें छेड़ने के लिए भेज दिया है ना? नहीं साहब, वो तो एक ही मार से बचने के लिए हमको झूठ बोलना पड़ा, वरना ये तो हमको जान से मार डालता। जान किसको प्यारे नहीं साहब। देखा दरोगा चाचा, सच्ची बात सामने आ गई ना। सच के साथ तो भगवान भी होता है। नेहा जी, चोर के बयान से ये साबित होता है कि आपको गलतफहमी हुई और राजा बेकसूर है। ए नहीं, बल्कि बना दिया गया है। अपने आदमियों की मदद करना आजकल पुलिस वालों की ड्यूटी बन चुकी है। इस गुंडे का इस वक्त आना महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि तुम सबकी मिली भगत है। नहीं लिखवाना मुझे तुम्हारे यहाँ रिपोर्ट। अजीब लड़की है, औलदार इसे अंदर ले जाओ। जी साहब। अरे 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 बाल छोड़ा हमरा। पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। अच्छा दरोगा चाचा, मैं चलूं? ठीक, तुम जाओ बेटा, जाओ। अरे नैन लड़ गई है तो मनवामा कटक हुई बेकरी। अरे नैन लड़ गई है तो मनवामा कटक हुई बेकरी। अरे नैन आवा पोस्टमैन भैया कैसे हो? अरे भैया आज बड़ा बन ठन के घूम रहे हो, गौने की तारीख पक्की हो गई है का? हाँ भैया, तुम्हारा आशीर्वाद बना रहे तो समझा आज ही मामला फिट हो जाए। तो भैया ससुराल जा रहे हो का? तो तनिक ठहरो, ये चिट्ठी अपनी सास के दे दिया, राम भला करे। राम भला करे। ये तो फटी। अरे पोस्टमैन भैया। क्या हुआ भैया? अरे पोस्टमैन भैया, ये का हुई गवा, ये खट का कोना तो फटा है। अरे पगले, कोना फटी चिट्ठी का मतलब नहीं समझा नहीं। तो अरे ससुराल की रिश्तेदारी में फिर कोई भगवान को प्यारा होगा? अब तोरा गौना पड़ गया फिर खटाई माँ। अरे बाप, फिर हो गई एक साल की छुट्टी। क्या बात है पांडे भैया, बहुत परेशान दिख रहे हो। भांगड़ी भैया, तू सिर्फ भांग डाला, कुछ मत पूछा। का फायदा, चार पल का मेहमान तेरा, अपना देखी कल का सवेरा। और दया और दया।
ठहरा। हम प्राण दे दे, हम मर जाए, हम भोले नाथ का देखत, हम मर जाए, हम मर जाए। वहां तो नागराज की मामी है। अरे वहां कहां जा रहा है? वहां तो नागराज की मामी है। ए पांडे भैया रुक जाओ, वहां तो नागराज की मामी है, मर जाओगे। अरे जब गौनुआ कराई के हमसे मिलना ही नहीं था तो हमारी रानी काए बनी, इतना ही हमसे सही नहीं जाएगी। नगराजा आवा, नगराजा जल्दी आवा। अपनी चुटिया से हमरे पाँव पे गुदगुदी कर दे, पकड़ लियो चमिया, मेरी चमिया अब कहाँ गई हो? तोरी चुटिया तो हमरे हाथ में जिंदगी भर पकड़े रही। शंकर भगवान कहाँ किए? अरे गबनवा की अर्जी तो साल भर पहले लगाए रहे, ऊपर कोनी ऊपर कोनो सुनवाई नहीं किए। ये मौत की तो सिर्फ बात किए, वो भी बिना अर्जी के, वो फौरन भेज दिए। नागर राजा जा जा जा, नागर राजा जा 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 जा। नेहा जी, आप संगीत की देवी हैं, फिर आपने संगीत से रिश्ता क्यों तोड़ लिया? खूबसूरत फिजाएं पूछ रही हैं कि आपके मधुर गीत हम कब सुनेंगे? नेहा जी, प्रकृति आपसे पूछ रही है कि आप कब गाएंगी? क्या हो गया है? आप क्यों रूठ गई हैं हमसे, बताइए ना।
इधर आओ। जी दीदी। मेरा एक काम करो। हाँ बोलिए। अपने राजा भैया को चिट्ठी देना। अच्छा। और कहना कि मैं शाम को मंदिर के पास इंतजार करूं। अच्छा। हा? राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया, ये चिट्ठी दीदी ने भेजी है आपके लिए। दीदी? कौन दीदी? नेहा दीदी। क्या? और हाँ भैया, दीदी ने ये भी कहा है कि तुम उन्हें मंदिर के पास मिलना। मेरे राजा, मुझे माफ कर दो। अभी तक जो हुआ वो सिर्फ एक नाटक था। सच तो ये है कि पहली ही नजर में तुम मेरे दिल में समा गए थे और अब दिल तुमसे बहुत कुछ कहने के लिए बेकरार है। तुम आ रहे हो ना? Thank you.
हुआ कैसे मेरे दिल को हैरत है। क्या हैरत है? इनायत है तुम्हारी या मेहरबान मुझ पे किस्मत है। तुम्हें क्या लगता है? हो तुम अपने तो सारा आलम अपना है, मैंने देखा जो सच है या कोई सपना है। ये सच है, सच है। जो ना सोचा था कभी आज वो हो गया, आज वो हो गया। प्रेम पत्र आया है, हाँ उसने बुलाया है। आपने? हाँ मैंने। ओ रियली? ओ नेहा जी, कहीं घूमने चलें? घूमने? हाँ। चलिए। ओह गॉड, आई कांट बिलीव इट। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि भगवान आज मुझ पर इतने मेहरबान हो जाएंगे कि जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था नेहा जी, वो आज सच हो जाएगा। और नेहा जी आपको नेहा जी नहीं, सिर्फ नेहा। क्या करूं, जिस सुरु की देवी को बरसों से पूछता रहा, आज उसका नाम लेते हुए कुछ अजीब सा, आप समझ नहीं सकती नेहा जी। फिर आप नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम। ओके ठीक है, मैं आपको आप नहीं तुम क्या पुकारूंगा। और नेहा जी, आई एम सॉरी नेहा, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा, क्या कहूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा। अच्छा चलो, हम वहां जाके उस पंप हाउस में बैठते हैं। ओके ओके चलो। अब तुम मौत ऑर्गन ही बजाते रहोगे या गाड़ी से भी उतरोगे? चलिए। चलो इस पंप हाउस में बैठते हैं। चलिए चलो। वाओ क्या जगह है। हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए थे, गाड़ी में है। एक मिनट, हाँ हम अभी लेकर आते हैं। बाय बाय, सी यू। अरे अरे नेहा, ये दरवाजा क्यों? नेहा ये क्या कर रही हो? नेहा नहीं, नेहा जी कहो। तुम क्या समझते हो हम तुमसे प्यार करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो एक झूठा नाटक था सिर्फ तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए। बहुत परेशान किया तुमने हमें, ये उसी का जवाब है। मेरे ख्याल से इसके बाद तुम हमें कभी परेशान करने की हिम्मत नहीं ना करोगे। जब तक कोई तुम्हें यहाँ से निकाल नहीं लेता तुम यही सड़ते रहो, हम तो चले। नेहा जी, मैं तब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक आप खुद मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगी।
कसम है मुझे आपके गीतों की। सब लोग उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, लोग डर रहे हैं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ हाँ जा। तीन दिन से लापता है, कहीं पंप हाउस में। मृत्यु पत्र बनाई थी या हमारे स्वर्ग जैसे गांव में आई तो कम से कम ये शरीर दिल तो उस नर्क में छोड़ा थी। ये भी काली की काली फरी है। आओ भाइयों, इसके मुंह पर भी काली पोत देते हैं। आओ रुक जाओ भाइयों, होली को भला कौन टाल सकता है। अब इसे कुछ कहने से क्या फायदा। बेटी क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा, क्या दुश्मनी थी इसके साथ तुम्हारी। ये ऐसे नहीं बताएगी ताऊ, इससे हम पूछेंगे। हम पूछेंगे इससे। ठहरो, पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया है। क्यों देवी जी, उस बार झूठी साजिश करके उसे बंद नहीं करा पाई तो आप जान लेने पर तुल गई हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हवलदार जी साहब, हथकड़ी लाओ।
नहीं दरोगा चाचा, नहीं। आपको कोई गलतफहमी हुई है चाचा, इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। ये क्या कर रहे हो राजा भैया, इन्हें तो पंप हाउस में बंद करके तोहरी जान लेने की कोशिश की है। नहीं पांडे, नहीं। आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। दरअसल परसों मैं यूं ही घूमता फिरता पंप हाउस की तरफ निकल गया था। थोड़ा सुस्ता लूं, ये सोचकर मैं पंप हाउस में जाकर लेट गया और ना जाने कब मेरी आंख लग गई और अनजाने में ही शायद किसी ने बाहर से कड़ी लगा दी। भला हो नेहा जी का जिन्होंने मुझे वक्त पे वहां से निकाला और यहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचाया। हम सबको तो नेहा जी का शुक्रगुजार होना चाहिए जिनकी वजह से मैं बच गया। दरोगा चाचा, आप इन्हें प्लीज छोड़ दीजिए। जी, मैं तब तक यहां से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक आप मुझे खुद यहां से बाहर नहीं निकालेंगे। तू इसी अपमान के लायक है नेहा, तुझे इन भोले भाले लोगों के गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। गांववालों ने आप पर जो आरोप लगाए, आपको अपमानित किया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी नेहा जी। और हां, बहुत खुश हुआ था अपनी जिंदगी का ये पहला प्रेम पत्र पाकर, मगर तब जब मेरे लिए एक सच था, लेकिन अब मेरे लिए इसके कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं। Thank you.
राजा। तुम्हारा पहला प्रेम पत्र अब ये सच है। मैं इन टुकड़ों को अपने प्राश्चित से जोड़ना चाहती हूं। मुझे माफ कर दो राजा, वरना इन टुकड़ों की तरह मैं भी टूट जाऊंगी। Yeah.
उसके लिए दिल मेरा कब से बेकरार है, तू मेरी मैं तेरा। जरूर कोई बुरी खबर हुई दासु जी, अब भूल जावा सो ही गवा सो ही गवा। काहे रो रहा है रे बिटुआ, का हुई गवा है? जब तक आप बतायो नहीं कैसे मालूम पड़ी, मगर फिक्र नहीं, अब हम अपनी छाती मजबूत कर लिए है, बताइयो दो। अरे हम ही कहे की खातिर आ रहे है कि गवन वाक की जो कल की तारीख रही ना। कमीज रे कमीज रे, का समझ गया रे, पूरे एक साल की छुट्टी हो गई। अरे नहीं रे, कल का तारीख पक्की समझो। पक्की पक्की मतबल मतलब ही कि अब तुम डोली ओली का इंतजाम कर ही लियो, लाके अपनी दुल्हनिया को ले जाओ। अरे हमार सासू जी, हमार गवरवा की तारीख पक्की हुई गई, हमार गवरवा की तारीख पक्की हुई गई, पक्की हुई गई। अगला कहेगा। नेहा, कल तक मैंने तुम्हें सिर्फ एक सिंगिंग स्टार के रूप में देखा था, लाखों हजारों की भीड़ में मैं भी एक था, तुम्हारे गीतों का दीवाना, लेकिन आज मैं तुम्हारे दिल में हूँ। नेहा, ये सब एक सपना सा लगता है। नेहा, आज मेरे लिए गीत गाओ ना, सिर्फ मेरे लिए, प्लीज नेहा। राजा भैया, राजा भैया। अरे क्या बात करता है? डैम फूल। अरे सुन रहा है, निमंत्रण तोरी मेम साहब के लिए भी है, कल टाइम पर आ जाना, हम दावत है। ए ससुर डैम फूल, हमारा गाना कब हुई रे? What is this ठेंगा ठेंगा? No. ननद फूल गिनवा के भरी है पानी, ननद फूल गिनवा के भरी है पानी, सासु हमारी महलों की रानी, सासु हमारी आएगा नहीं। अरे राजा भैया, आवा आवा आवा। अरे तेरी आवाज को क्या हो रहा है? गाने की दे? नहीं 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 शर्ट फटाई फटाई। अच्छा बेटा 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 बेटा। अरे चलो चलो चलो। हमारे चमिया नेहा जी की गायिका की फरमाइश करत है। अरे हाँ नेहा, एक गीत सुना ना। हाँ नेहा, कम ऑन नेहा, ये वो लोग हैं जो शहर आकर महंगे महंगे टिकट खरीद कर शायद तुम्हारे गीत कभी ना सुन सके, प्लीज इनका दिल रख लो। देखो आज मेरे दोस्त की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी का दिन है। तुम तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हो, कहा
बाहर है, मैं नहीं जा सकती। ना प्रॉपर साज है, ना रिदम और ना ही रेसल। नेहा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो एक एक प्यार का माहौल बना हुआ है, दो लाइनें गुनगुनाने में तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नेहा प्लीज प्लीज नेहा मेरी बात रख लो। नेहा आई एम सॉरी, मैं नहीं गाऊंगी। सब क्या तमाशा है? आज तुमने सारे गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। अरे इतना मनाने पर तो पत्थर भी पिघल जाता है। अगर तुमने तो आज हाँ हाँ, हम तो पत्थर दिल से भी गए गुजरे हैं। ये तुम्हें क्या हो गया है नेहा? भगवान के लिए इस वक्त यहाँ से चले जाओ। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात सुननी ही होगी नेहा। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें उन सब लोगों को भी इज्जत देनी होगी जो जो प्यार के एक बोल पर अपनी जान तक निछावर करने को तैयार रहते हैं। उनके सुख दुख में इस वक्त हम तुम्हारा भाषण सुनने के मूड में नहीं है। प्लीज लीव मी अलोन। नेहा, तुम्हें मेरी इस बात का जवाब देना ही होगा। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि यह हमारे लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए क्योंकि हम वो साहस है जिसकी तारे टूट चुकी है, और इसलिए क्योंकि अब हम कह नहीं सकते। मगर ये सब अचानक हुआ कैसे? मैंने तो तुम्हारे सारे प्रोग्राम देखे हैं, बस एक आखिर को छोड़कर। वही मेरी जिंदगी का आखिरी प्रोग्राम बनकर रह गया, मेरे सुरों के सफर का अधूरा गीत। बताओ मुझे क्या हुआ था उस दिन, बताओ नेहा बताओ। हाँ। उस दिन पापा के बात नहीं रख सकी राजा, नहीं रख सकी। नहीं नेहा, नहीं, मन छोटा मत करो। डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा कि तुम अब कभी गा ही नहीं सकती। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर इंसान मन से चाहे कोशिश करे तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो नामुमकिन हो। तुम्हें कोशिश करनी होगी नेहा, तुम्हें कोशिश करनी होगी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जिंदगी में गा पाऊंगी या नहीं ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब तक मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिला था, तब तक मैं अपने आप को बहुत अकेली महसूस करती थी। लेकिन अब मुझे तुम्हारे प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो नेहा? भगवान की दी हुई कला को नष्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं। आज भी तुम्हारी जगह वही है जहां तुम्हें सुनने और तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरसती थीं। तुम्हें गाना होगा नेहा, तुम्हें गाना होगा। तुम समझते क्यों नहीं? मैंने कह दिया ना कि अब मैं नहीं गा सकती, और अब मुझे कीचड़ में जाने का कोई शौक नहीं जहां हैरी जैसे घिनौने जानवर बसते हैं। और प्लीज मेरे सामने मेरे गुजरे हुए कल का जिक्र कभी मत करना। राजा भी पूछो तो यही जवाब मिलता, पता नहीं तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हुई तुम्हें क्या पता। अच्छा चलो आज कहीं घूम आए, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। नेहा, तुम क्या समझती हो
मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ काम नहीं है क्या? I'm sorry. आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता. तुमसे तो बात तक करने की फुर्सत नहीं है मेरे पास. फिर कभी. राजा. Mami.
छोड़कर फिर कभी मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। आखिर क्या गलती हुई मुझसे? तुम चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? क्या कसूर है मेरा? तुम मुझे इसलिए ठुकरा रहे हो कि आज मैं गा नहीं सकती? राजा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? क्या तुम्हें सिर्फ मेरे गीतों से प्यार था, मुझसे नहीं? हाँ, मुझे सिर्फ गीतों से ही प्यार है। तुम अपने गीत वापस ले आओ, राजा फिर से तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। राजा, नेहा के साथ इस तरह की बेरुखी का क्या मतलब है? गौरी, नेहा से मैं भी बेइंतहा प्यार करता हूं। उसके बिना मैं जी सकूंगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर ये सब क्या है? कोशिश। कोशिश? नेहा मुझसे इतना प्यार करती है कि मुझे लगता है कि मेरी बेवफाई को प्यार में बदलने के लिए वो फिर से गाने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि वो जानती है कि मैं उसके गीतों का कितना दीवाना हूं। पर पगले, तू ये क्यों नहीं सोचता कि जिसने तुझे ही अपनी जिंदगी मान लिया है वो इस सब से दुखी होकर कुछ और भी कर सकती है? राजा, जब दिल टूट जाता है ना तो जीने की तमन्ना खत्म हो जाती है। गौरी, नेहा,
भगवान, ये सब क्या कर दिया भगवान? आप तो जानते ही हैं कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ उसके गीत वापस लाने के लिए किया। मैंने तो सिर्फ उसकी खुशियां चाही थी भगवान, और आपने ये सब मेरी वजह से हुआ ना भगवान, तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे किए की सजा उसे मत दो। नेहा के बिना राजा जी नहीं पाएगा भगवान, नेहा को ठीक कर दो, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी नेहा को ठीक कर दो भगवान, मेरी नेहा को ठीक कर दो, मेरी नेहा को ठीक कर दो। नहीं बेटे, नहीं, भगवान के दिए इस अनमोल जीवन को नष्ट करने का मानव को कोई अधिकार नहीं है। मैंने तुम्हारी सारी व्यथा जान ली है, तुमने तो प्रेम किया है, फिर भी प्रेम की शक्ति को नहीं पहचानते। बेटा, इस कमंडल में कैलाश पर्वत के उस सरोवर का जल है जिस पर प्रकृति की विशेष कृपा है। इस जल में तरह तरह की जड़ी बूटियां प्राकृतिक रूप से मिली हुई हैं। भगवान शंकर की कृपा से इस जल ने हजारों लाखों लोगों को ठीक किया है। तुम जल्दी से इसे शंख में डालकर ये जल बालिका को पिलाओ, बाकी सब बाबा विश्वनाथ पर छोड़ दो। देखिए ना, मेरी नेहा के सुर भी वापस आ गए बाबा, उसके सुर भी वापस आ गए। बेटा, ये सब बाबा विश्वनाथ की दया और इस जल के चमत्कार से हुआ है। तुमने मुझे बचाया, क्यों? मुझे मर जाने दिया होता। नहीं नेहा, नहीं, ऐसा मत कहो। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे प्यार के सिवा मैंने कभी और कुछ भी नहीं चाहा। मुझे लगता था कि बिना गीतों के तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी, इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारे सुर वापस लौट आए। तुम फिर से गाने की कोशिश करो, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई का नाटक किया,
और तुम्हें बहुत दुख दिए, मुझे माफ कर दो नेहा। इस पर शंका मत करो बेटी, इसका प्रेम सच्चा है। नेहा, भगवान की कृपा और बाबा के आशीर्वाद से आज तुम्हारे सुर फिर से लौट आए हैं। तुम गा सकती हो नेहा, तुम फिर से गा सकती हो। सच राजा? हाँ। मैं फिर से गा सकती हूँ? हाँ नेहा। सच बताओ राजा, मैं फिर से गा सकती हूँ? हाँ नेहा, तुम फिर से गा सकती हो। राजा नेहा। नेहा जी की आवाज ठीक हुई गई ना, हाँ? तू तोरे प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहते, और ठीक तुम हो। नहीं पांडे, नहीं, मैं नेहा के दुखों को भूल नहीं सकता। बिना गीतों के उसने कितने दुख झेले हैं, ये तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो। अरे लेकिन अब तक लेकिन बेकिन कुछ नहीं पांडे। जिसने नेहा को इस हाल तक पहुंचाया था, मैं उसे इसका जवाब देना चाहता हूं। नेहा को फिर से संगीत की दुनिया में उसी ऊंचाई पर पहुंचाकर जहां वो पहले थी, यही मेरा प्रतिशोध होगा उस कमीने के खिलाफ।
और जब तक ये हो नहीं जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसा बात है तो हमू तोरे साथ है, बोला का करे का है? अभी तो सिर्फ इतना ही कि नेहा को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। और दूसरा ये कि शहर चलने की तैयारी करो। कला की दुनिया में नेहा एक खोटा सिक्का बन के रह गई है, और खोटा सिक्का व्यापार के बाजार में नहीं चलता। बेहतर है तुम लोग कोई दूसरा दरवाजा खटखटाओ। प्लीज सर, प्लीज आप मेरी बात समझने की। डोंट वेस्ट माय टाइम, यू कैन गो नाउ। जा सकते हैं आप लोग। आप बोल रणवीर, क्या काम है? अभी अभी दो लड़के मेरे पास आए थे जो नेहा के प्रोग्राम के लिए पैसे मांग रहे थे। एक बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि नेहा की आवाज ठीक हो गई। ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। वो लड़के जरूर को फ्रॉड होंगे, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रहे, ना ही नेहा के शो के लिए किसी को कोई पैसा मिले और ना ही शहर में कोई ऑडिटोरियम। ओके, गुड। हबीब भाई, अरे ओ हबीब भाई। अरे राजा, तुम अचानक? आओ आओ बैठो। हबीब भाई, मैं आपके पास काम मांगने आया हूँ। तुम तो सिर्फ नेहा की ही तस्वीर बनाते हो भाई, जिसका अब संगीत की दुनिया से नाता ही टूट चुका है। अब किसकी होर्डिंग बनाओगे राजा? किसी की भी होर्डिंग बनाऊंगा, हालत का तकाजा है अभी भाई। मुझे मुझे 40-50 हजार रुपयों की सख्त जरूरत है। होल्डिंग्स बनाकर 40-50 हजार रुपए कमाना तो बहुत मुश्किल है भाई। कोई मुश्किल नहीं अभी भाई, मैं दिन रात एक कर दूंगा। तुम्हारी मर्जी, मेरे दरवाजे तो तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। चाहो तो आज से काम शुरू कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया अभी भाई। अरे शुक्रिया की क्या बात है, चलो आओ अंदर आओ। चलो वफादार जी, ये साला कौन है जो नेहा में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? सुना है उसी गांव का है जहां इन दिनों नेहा रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो जरूर साला उसका आशिक होगा। मारने दो साले को, हाथ पैर मारने दो। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि शहर के अंदर हैरी सक्सेना की मर्जी के बगैर गाना तो दूर, नेहा आवाज तक नहीं निकाल पाएगी, कुत्ते की तरह भाग जाएगा तुम दबाकर साला। ये लो राजा, ये तुम्हारे पैसे। जिस तरह तुमने रात दिन काम किया है उसका ये फल है कि एक हफ्ते में तुमने 5,000 रुपए कमा लिए। ये सब आपकी वजह से हुआ भी भाई, आपका साथ ना होता तो मैं ये पैसे कभी नहीं कमा सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया भी। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो भाई, अल्लाह तुम्हारी तमन्ना पूरी करे। नाम राजा है? हाँ। मुझे हैरी सक्सेना कहते हैं। क्या कहते हैं? हैरी सक्सेना। तुम्हारे नाम और काम दोनों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं मैं। तो फिर यह भी जान लो कि अगर नया का शो करवाना तुम्हारा मकसद है तो मैं उस मकसद को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मिस्टर हैरी, बेहतर है कि तुम मेरे मकसद के रास्ते में दीवार ना बनो। दीवार तो हम बन चुके हैं। हैरी के होते हुए नेहा का शो हो जाए, ये तो नामुमकिन है। Oh!
नहीं, अब ना ये उम्मीद की किरणें रहेंगी और ना ही नेहा की कला का सूरज फिर से निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये ले। ससुर डैमफुल ई का हाल बनाई लिए हूं। देखा राजा, इतने दिन में हम तो जान गए हूं कि शर्मा प्रोग्राम करना अपना बस का बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, नया जितनी खत रही ई शर्मा लोग नहीं, शैतान रहता है शैतान। देख, हमारी बात मान ले, चुपचाप ही नरक से हम अपने गांव चले जाएंगे। हम अभी टिकट का बंदोबस्त करते हैं, बस अब हम कुछ सुनने वाला नहीं है, कुछ सुनने वाला नहीं है। बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए, प्लीज मैं आपके ओके हाथ जोड़ती हूं डॉक्टर साहब। हम सब कुछ ले लीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। आप लोग धीरज रखिए, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आइए मेरे साथ। डॉक्टर साहब, वो जिस बच्चे के बारे में आप लोग बात कर रहे थे, क्या हुआ उसे? उसकी किडनी डैमेज हुई है, माँ बाप का इकलौता बच्चा है, लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है, पर अफसोस हम उसके लिए किडनी अरेंज नहीं कर पाए हैं। और आप? डॉक्टर साहब, मैं अपनी किडनी देना चाहता हूँ। तो? हाँ डॉक्टर साहब, अगर मेरी किडनी उस मासूम के काम आ गई तो उस बच्चे की जान भी बचेगी और मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे जिनकी मुझे सख्त जरूरत है। प्लीज डॉक्टर साहब, आप मेरा टेस्ट ले लीजिए। क्या कह रहे हो राजा भैया, होश माता हो? हाँ। इतना बड़ा खतरा उठाए खातिर हम तुमका कभू राय नहीं देंगे। हाँ पांडे, नेहा के लिए ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। और तू मुझे रोकेगा नहीं? लेकिन तुझे मेरी कसम। कसम दे के तुम ठीक नहीं कर रहे हो राजा भैया। तू चिंता छोड़ पांडे और गांव जाकर नेहा को ले आ। लेकिन याद रहे,
नेहा को इसके बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वफादार जी, ये क्या है? क्या ये? कम बैक ऑफ, सुरों की मलिका नेहा। कैसे हो गया ये? कैसे हो गया ये? इस शहर के अंदर मेरी इजाजत के बिना उसे शो करने के लिए स्टेज देने की हिम्मत किसने की? किसी ने भी नहीं, तो भी वो लड़का राजा नेहा का प्रोग्राम किसी पंडाल में करा रहा है। नहीं वफादार, नहीं, ये प्रोग्राम हरगिज नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रोग्राम हो गया तो ये जिंदगी की मेरी सबसे बड़ी हार होगी, जो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। तुमने ये सब क्यों किया? सब जानते हुए भी कि मैं फिर से स्टेज पर गाना नहीं चाहती। मैं पिछला सब कुछ भुला चुकी हूं। मैं फिर से उन लोगों के बीच में नहीं जाना चाहती जिन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नेहा, ये बात मैं जानता हूं, और ये प्रोग्राम मैंने उन्हीं लोगों के मुंह पर कालिख पोतने के लिए किया है, और मुझे इसमें तुम्हारा साथ चाहिए। आज अगर तुम नहीं कहोगी तो मेरे दिल में सुलगती प्रतिशोध की आग मुझे कभी चैन नहीं लेने देगी। प्लीज मुझे मजबूर मत करो। नेहा, मेरी ये आखिरी बात मान लो। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद तुम्हें गाने के लिए कभी मजबूर नहीं करूंगा। प्लीज नेहा, प्लीज। ठीक है राजा, मैं तुम्हारे लिए गाऊंगी, लेकिन ये मेरा आखिरी प्रोग्राम होगा। थैंक यू नेहा, थैंक यू वेरी मच। सब ठीक है ना? हाँ जी हरी साहब, सब ठीक है। लाओ रिमोट कंट्रोल। राजा कहाँ है? वो तो तनिक काम के लिए बाहर गवा है। ऐसा क्या काम था? देखा ना, हमने पहले ही मना किया था पर राजा नहीं माना। ये सब उसी की पागलपन का नतीजा है। ऐसे मत कहिए नेहा जी। क्यों ना कहूँ, मेरे लाख मना करने पर भी उसने ये प्रोग्राम रखा सिर्फ नाम और पैसे के लिए। तो कसम में आप बड़ी भूल कर रहे हैं नेहा जी। असली जानना चाहती है तो आइए हमारे साथ। हाँ बेटा, हम अभी आवत है। सिस्टर, सिस्टर क्या हुआ? सब ठीक तो है? आपके बेटे को होश आया, थोड़ी देर बाद उसे मिल सकते हो। थैंक यू सिस्टर। राजेश त्रिपाठी को होश आया क्या? उन्हें भी इंजेक्शन दिया, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये किस राजेश त्रिपाठी की बात कर रहे हैं? मालूम नहीं। आप लोग कौन है? आप लोग राजेश त्रिपाठी को कैसे जानते हैं? क्या उन्हें? आप उसके रिश्तेदार हैं? मैं जो कुछ भी हूँ, पहले ये बताइए कि उन्हें उस महान आदमी ने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है। अपने किडनी देकर उसने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। किडनी? हाँ बहन, बहुत अच्छा आदमी है वो। हम लोग उसे 5 लाख तक देने को तैयार थे, लेकिन उसने सिर्फ 50,000 रुपए लिए, और वो भी ये कहकर के अगर जिंदा रहा तो पाई पाई लौटा दूंगा। बड़ा एहसान है उसका हम पर। अच्छा बहन। अच्छा। पांडविया बताइए, राजा ने ऐसा क्यों किया? राजा भैया को अपनी जान जोखिम में डालने की कहां जरूरत थी? पांडे जी बताइए, क्यों किया राजा ने ऐसा? तोहरे खातिर। तोहरी आवाज ठीक होने के बाद वो टाइम पुलिस की बात करत रहा। पांडे, इस संगीत जगत में नेहा को जब तक वही पुराना स्थान नहीं दिलाई दे, तब तक हम चैन से नहीं जी सकत। बस तोहरे प्रोग्राम के खातिर राजा ने
इस वक्त वो कहाँ है? ओ रोमा, नासों को रोकना मेरे बस में होता। राजा, ये सब तुमने सिर्फ मेरे लिए किया? मैंने जो कुछ भी किया अपने प्यार की खातिर किया। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि शो कैसा रहा? शो? नेहा, क्या हुआ? क्या हुआ नेहा? बात क्या है? हा? बात क्या है नेहा? शो नहीं हो सका राजा, हरि हमसे फिर जीत गया, हम हार गए। प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक ब्लास्ट हुआ और पूरा पंडाल जलकर राख हो गया। चलो अच्छा ही हुआ, तुम भी तो यही चाहती थी ना? हाँ, लेकिन कल तक मैं यही चाहती थी कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए गाऊं। लेकिन आज जब तुमने मेरे लिए सब किया, अपनी जान तक की परवाह नहीं की। नेहा। राजा, मैं तुम्हारे प्यार की कसम खाकर कहती हूँ, मैं गाऊंगी, जरूर गाऊंगी, और उसी मुकाम पर पहुंचकर दिखाऊंगी जहां तुम चाहते हो। तुम्हारी इस हार को जीत में बदल दूंगी, इट्स अ प्रॉमिस। सच नेहा? Thank you.
संगीत की दुनिया में फिर से वापस आने के लिए हैरी सक्सेना आपका स्वागत करता है। नेहा जी, मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाता तोड़ चुकी हैं, लेकिन आप मेरी बधाई देने का हक मुझसे नहीं छीन सकती, नहीं छीन सकती। मेरे प्यारे संगीत प्रेमियों, आज भले नेहा जी ने मुझे अपने आप से बहुत दूर कर दिया है, लेकिन आप लोग एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि नेहा जी मेरी खोज हैं, मेरी इजाद हैं, मेरी डिस्कवरी हैं। एक जमाना था जब मैं इनके लिए शो अरेंज किया करता था। यह मेरी बदकिस्मती है कि मैं वहां खो चुका हूं। बहुत अफसोस है मुझे, लेकिन मेरे और नेहा के बीच में एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा नाता है जो कोई नहीं तोड़ सकता, और वो है गीत का, संगीत का। करती है फरियाद ये धरती कोई हजारों साल, तब जाकर पैदा होती है नेहा जैसी महान कलाकार। नेहा जी की तारीफ करना तो सूरज को दीपक दिखाना है। नेहा जी की सुरों में मां सरस्वती की वीणा की झनकार है। Thank you.
उठ कभी नहीं उठ, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अब तुझे पता चलेगा कुत्ते कि आवाज जाने का दर्द क्या होता है। You bastard! आज तेरी आवाज छीन लूंगा मैं हरामजादे। चल कुत्ते चल, यही है वो कमीना जिसने नेहा जी के सुरों को छीनकर उन्हें आपसे बहुत दूर कर दिया था। ये आज फिर अपने कमीने पर से आवाज दिखाया और नेहा जी को जान से मारने की कोशिश की। इस आस्तीन के सांप को तो सजा हम देंगे। मेहरबानी करके आप लोग शांत रहिए। हरि सक्सेना को उसे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आप लोग मेहरबानी करके चुप करके बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप लोग शांत होकर बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि नेहा जी के गीतों के कैसेट मार्केट में इतने ज्यादा बिक चुके हैं, इतने ज्यादा बिक चुके हैं कि टिप्स कंपनी के श्री रमेश तुरानी साहब खुद आज अपने हाथों से रॉयल प्लेटिनम डिस्क उन्हें अपने हाथों से पेश करेंगे। गिव हर ए वेरी बिग हैंड। ये लीजिए नेहा जी। इस ट्रॉफी के असली हकदार मैं नहीं, राजा है। अगर आज राजा नहीं होता तो संगीत की दुनिया में नेहा कभी नहीं लौट पाती।